नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई और समस्तीपुर से सांसद रामचंद्र पासवान का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। उनका निधन दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में करीब 1:30 बजे हुआ है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को रामचंद्र पासवान को दिल का दौरा पड़ा था और इस दिल के दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको वेंटिलेटर पर रखा था। 12 जुलाई वो दिन है जब उनको हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन ठीक एक दिन पहले, यानी कि बात अगर 11 जुलाई की करें, तो रामचंद्र पासवान संसद गए थे और वहां पर उनको जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अपने वक्तव्य भी वहां पर रखे और जिस तरीके से लगातार उनको देखा गया है, वो दलित नेता के तहत देखे जाते थे, रामविलास पासवान के काफी बेहद करीब बताए जाते थे। 11 जुलाई का एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जो लोकसभा का है। जो आपने इस रेल बजट के ऊपर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। अपने तरफ से, पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से, कि आज पूरे देश में इन्होंने रेल का जाल बिछाने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये सारा का सारा देश जो है विकसित हो रहा है, उसमें एक रेल भी बहुत बड़ा अंग है। तो आज हम अध्यय जी कहना चाहते हैं माननीय रेल मंत्री जी से कि इनका तो कार्य बहुत ही सराहनीय है और काफी जगहों पर जहां अपेक्षित था वहां भी आज वहां सारा का सारा जगह जो है वो विकसित हो रहा है, चाहे वो रेल के माध्यम से हो, चाहे वो जिस भी डिपार्टमेंट के माध्यम से हो। और आज हर एक डिपार्टमेंट का और खास करके ये रेल बजट के ऊपर में ये डिबेट चल रहा है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम तो बिहार से आते हैं, समस्तीपुर से हमारा लोकसभा क्षेत्र है और वो मिथिलांचल का एरिया है। और 1997 में हसनपुर सकरी रेल लाइन, कुशेश्वर स्थान खगड़िया नई रेल लाइन और क्या कहते हैं, बहुत से परियोजना ऐसे हैं जो उस समय से स्वीकृत हुआ, अभी माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में उसमें काफी तेजी से काम भी हो रहा है। और आज बहुत ऐसे जगह हैं जहां हम लोगों का कंस्टिट्यूएंसी है, घर भी है, वहां अभी तक अर्थ फिलिंग का भी काम नहीं हुआ है, वहां थोड़ा धीमी गति से काम चल रहा है, बाढ़ प्रभावित एरिया है और बाढ़ आने के वजह से बहुत जगह जो है फ्लड के टाइम में काम में रुकावटें आती है। तो हम कहना चाहेंगे, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो परियोजना है, इस परियोजना को जल्द से जल्द और फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए जो पिक बुक में दर्ज किया गया था इस योजना को, उस समय में माननीय रेल मंत्री रामविलास पासवान जी थे, उनके समय में ये मंजूरी हुई थी और बहुत सा कार्य जो सर्वे में डाला गया था सर्वे हो चुका है, जिसमें ये जो है इसमें ये भोला टॉकीज का भी था मामला, जिसमें ओवर ब्रिज बनाने का है जो समस्तीपुर में है, हम जानते हैं, जाते हैं वहाँ, ऐसे पेशेंट आते हैं जो वो फाटक बंद रहने के चलते काफी पेशेंट जो है रास्ते में ही वो क्लब कर जाता है, मर जाता है, लेकिन गाड़ी के आवागमन से वो फाटक काफी लंबा समय तक बंद रहता है। उसमें हम कई बार उसका एसी भी चलाए उठाए थे, लेकिन अभी तक उसका टेंडर नहीं हुआ है, टेंडर के प्रक्रिया में है,
तो हम चाहेंगे कि उसका टेंडर हो। मुक्तापुर जो गुमती है उसमें भी ओवर ब्रिज का है और भोला ये रोसड़ा में महात्मा गांधी चौक है, गांधी चौक पर भी ओवर ब्रिज का काफी समय से डिमांड चलते आया है और वहां जब भी हम लोगों का मीटिंग होता है तो उस मीटिंग में भी हम चर्चा चलाते रहते हैं। तो हम आग्रह करेंगे रेल मंत्री जी से कि ये सारा का सारा जो है ये काफी है तो छोटा लेकिन अपने जगह पर इसका बहुत बड़ा महत्व है और हम चाहेंगे कि ये सारा काम हो और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि मुक्तापुर से लोहना जो रोड है ये इसका सर्वे माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के ही समय में हुआ था, अभी भी चल रहा है लेकिन अभी इसका क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। 16-17 में हो चुका है तो हम चाहेंगे कि ये जो योजना है इस योजना में फंड दिया जाए, पैसा दिया जाए और समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम ताजपुर महुआ होते हुए हाजीपुर जो सुगरौली सर्वे का जो है ये काम जो है इसमें भी सर्वे हो चुका है लेकिन अभी तक फंड का अभाव है। इसमें फंड दिया जाए बहेरी शिवाजी नगर करियन रोसड़ा बेगूसराय सर्वे 17-18 में ये हुआ है तो इसमें भी धन का कमी है। तो हम अध्यक्ष जी आपसे मांग करना चाहते हैं कि हम लोगों का जो क्षेत्र है ये कोसी करे कमला बलान सभी नदियों में समाहित है और इसका कल्याण काफी समय से लोग सोच रहे थे लेकिन हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं, पीयूष गोयल जी को धन्यवाद देते हैं और हम अपने क्या कहते हैं रामविलास पासवान जी जो उस समय में रेल मंत्री थे उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में और आज का जो नेतृत्व है ये एक होकर करके काम कर रहा है और इस काम को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। इसके अलावे बहुत ट्रेन का भी है जो ट्रेन हम बाद में लिख कर करके माननीय रेल मंत्री जी को देंगे तो आपके माध्यम से हम अपनी बात को समाप्त करते हुए इस बजट का सपोर्ट करते हैं और आगे हमको उम्मीद है कि इस बजट के माध्यम से और हम जो हमारा जो खास करके ये जो कंस्टिट्यूएंसी है इसमें छोटा छोटा जो समस्या है इस छोटे समस्या को ये जरूर रेल मंत्री जी इसको पूरा करने का काम करेंगे। News 1 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।